tonight was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ एंड ग्रूमिंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम विंटर शूज़ कैसा लेना है और विंटर शूज़ में कहाँ सस्ता मिलेगा और मैं मेरा विंटर शूज़ कैसे ले लूँगा और कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो देखने के लिए आज की इस वीडियो है। सो अभी तो मैं जस्ट उठा हूँ और थोड़ा बहुत काम किया हूँ। अभी मैं रेडी होके विंटर शूज़ के लिए हम कुछ जगह जाएंगे, वहाँ कैसा है विंटर शूज़, कितना प्राइस में मिलेगा और कितना बड़ा रेंज है, कितना छोटा रेंज है वो भी देखेंगे। और छोटा छोटा क्लिप्स देखते देखते क्लिक करते करते आज की ये वीडियो शूट करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। नहाना ये सब हो गया, अभी थोड़ा कुछ खाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को 15 o'clock को मेरे दोस्त से कुछ असाइनमेंट का काम है और उसके बाद 16 o'clock को मैं विंटर शूज़ लेने के लिए जाने वाला है। तो ये आधा घंटे में मेरे को जल्दी जल्दी कुछ खा के और मेरे दोस्त के साथ वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करके और एक घंटे में नेक्स्ट वो विंटर शूज़ के लिए हम जाएंगे और देखेंगे कैसा है विंटर शूज़ करके। हो गया है, अच्छे से चिकन खाया हो। अभी थोड़ा पढ़ाई करने की टाइम है, करूँगा एक घंटा, उसके बाद जाते हैं और देखते हैं मार्केट में कैसा है हमारा विंटर शूज़ और ये सब। इधर तो एक बहुत ज़्यादा मीन क्या ही ये बोलते बहुत ज़्यादा वर्स्ट चीज़ ये कि जल्दी रात हो जाता है क्योंकि अभी 3 ही बजे हो रहा है और अभी तो पूरा काला काला हो गया बादल। फिर भी अभी हम चलते हैं, मुझे नहीं पता है बाहर कितना ठंड है तो डबल सॉक्स पहनना पड़ता है कभी कभी क्योंकि मेरे पास विंटर शूज नहीं है। सो दैट्स द रीजन आई हैव टू डू मल्टी लेयरिंग एंड टाइम टू लीव एंड पता नहीं, शक्ल तो चूतिया है फिर भी ठीक है, कुछ नहीं होता है, सब चीज मैटर नहीं होता है, फर्क पड़ता है, मुझे भी पता है फर्क जरूर पड़ता है। अपीयरेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ए पर्सन, बट गिव द वैल्यू टू द नेचर रादर देन देयर अपीयरेंस। एटलीस्ट आई हैव टू कैरी वन बैग बिकॉज पैसा ही पैसा है भाई के पास, पैसा ही पैसा है ऐसा लगता ना, बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं ऐसा लगता है, बट सच में बात करें तो उतना कोई अर्न नहीं करता स्टूडेंट लाइफ में, सिर्फ जो लेके आया उसी पैसे से जिंदगी निकलना पड़ता है। और चलो अभी लॉक करने के समय आ गया है, मेरे दोस्त लोग वहाँ कितना गाली दे रहा मुझे नहीं पता, बाय।
मेरे मास्क है क्या? मेरे मास्क है एक घटिया सी यूज किए हुए मास्क तो है एक। अभी फिर से मैं घर जाके नया मास्क ले नहीं सकता हूँ। इधर जर्मन लोग, और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इन्होंने लिफ्ट होने के बावजूद भी लिफ्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करता। सो आई एम सरप्राइज्ड अबाउट दैट। अभी ठंड लग रहा है, -2 है। -2 -2 feels like -2 feels like -5 बट मैं एक चीज नोटिस किया है। क्या? जितना इंडिया में जो 10-15 डिग्री सेल्सियस में भी बहुत ज्यादा ठंड लगता है, इधर -2 भी उतना नहीं लगता है मुझे। मीन ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि मैं जो 15 डिग्री सेल्सियस के भी घर के अंदर जाके सोता था, बट इधर ऐसे नहीं है। वही रातुंडे है, हर बार पार्टियां होता है हमारा। टेम्परेचर इज नॉट एन इशू हियर, यू कैन मैनेज इट वेरी वेल, बट थोड़ा बहुत कपड़े अच्छे से पहनना सीखना चाहिए। यू हैव टू लेयर इट प्रॉपर्ली। या वी कैन लर्न हाउ टू लेयर फ्रॉम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेयर योर थर्मल्स, देन your normal tees or your shirts. Okay. Same as lowers also. And one thick heavy jeans. Whatever you prefer, joggers or jeans, you may wear. Okay. And from other things you have to wear is one hoodie. Compulsory. 25 to 30 degrees. Yeah, we can adjust. Yeah. It's... And college stuffs, then... You have to wear one thick heavy winter jacket. मुझे लगता है तू IELTS बहुत ज़्यादा पढ़ के आ गया। No. है कि नहीं bro? है कि नहीं? ऐसा लगा कि नहीं? भाई बहुत IELTS में prepare हुआ है, इसीलिए आप लोगों को English में bum पोड़ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं हिंदी में भी बात कर सकता। चलो हम अभी क्या हुआ कि कुछ सालों से अभी हिंदी का प्रैक्टिस चला गया। अच्छा। और यहाँ पर अगर ये पहले दिन से ये प्रैक्टिस रहा है कि इंग्लिश या फिर या थोड़ा जर्मन बोलेंगे तो जल्दी एग्जिस्ट हो पाएंगे। या दैट्स द लॉजिक बिहाइंड टॉकिंग इंग्लिश एंड बीटा जर्मन। बीटा जर्मन, ओह दैट्स ग्रेट। सो वी विल सी कैसा है, क्या लेने के लिए जा रहा है? विंटर शूज? यस, वी आर गोइंग टू बाय विंटर शूज। वीक के लिए पर देख रहा हूं ब्रो। सो क्रिसमस वीक की आते आते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहा है। हाँ, इतना लोग हैं आज, तो आज सैटरडे है, सो सब लोग एंजॉय कर रहा, सब लोग। इधर ये भी दिक्कत है, इनको शूट भी नहीं करना है ज़्यादा, वीडियो शूट करते तो भी बोलेगा ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा करके। सो देख देख के शूट करना है, किसी को टारगेट करके नहीं करना है, अपना काम आप करना पड़ेगा, तो तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट आज तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग है ना, पहली बार फ्लेंसबर्ग में इतना ज़्यादा भीड़ को देख रहा ना ब्रो। पहली बार देख रहा हूँ मैं भी, तीन महीने में। बट लोकेशन भी अच्छा है, उतना अच्छा भी है, पूरा मार्क्स है।
कौन सा शॉप जा रहा है अभी विंटर शूज के लिए? जा रहा है डाइचमैन। डाइचमैन? डाइचमैन बोलते हैं इसको। एज लाइक आउटलेट? नॉट आउटलेट बट इट्स अ प्राइवेट शॉप, लाइक दे आर हैविंग ऑल द ब्रांड्स। ओके, बट हम कुछ और जगह नहीं जा सकते कि डाइचलैंड क्यों बेटर लगा आपको? कि लास्ट टाइम इधर ब्लैक फ्राइडे था तो उधर वहाँ पे उन लोगों ने बढ़िया सेल दिया हुआ था। अच्छा, तो सेल्स में ज़्यादा सस्ते में मिलेगा और बाकी शॉप भी जा सकते हैं। इधर फोर्ड पार्क है, बहुत ज़्यादा है, बट इट्स लाइक टू एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस बिकॉज दे आर लाइक ब्रांड्स, सो इट्स डेफिनेटली दे चार्ज मोर एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। एंड इफ यू गाइस सी द लोकेशन, इट्स रियली अमेजिंग। Flew up through the clouds at night, was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. की जो जूड़ा मार्ट की स्ट्रीट है इधर बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से बैकग्राउंड भी है, तो हम देखते हैं कैसा है शूज, देख लेंगे और क्या क्या ऑफर्स हैं वो सब देख के चलते हैं। टाइप है ऐसे दिखेगा और इसकी लेंथ जो ज़्यादा रहेगा तो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो। है बहुत सारे वैरायटीज है बट उतना प्राइस इफेक्टिव नहीं है, तो चलो फिर ये देखो 99 यूरोस था, तो डॉइचमैन में जाता है और देखते हैं कैसा है करके। शू स्काई का शॉप है, इधर भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारा वेराइटीज तो है, अच्छा लगा बट ज़्यादा एक्सपेंसिव है। Cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Fires up the galaxy up in this. I'll be rolling like the light this. Not fucking science, cause I'm a whiz kid. Fire. On the night out, I'm on the high cloud. Shooting stars at the crowd. So it's in 39 euros. This is the affordable price because you no one get in these cheapest price, yeah. I think so.
It's like similar guy. Same तो बाकी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो एक 39 यूरो का है लैंड रोवर। बाकी ये सब लैंड रोवर का ब्रांड्स हैं, 40 यूरो 39 यूरो में ही है। तो इनका 59 यूरोस है, ये भी 59 का ही है, ये सब ये 89 यूरोस है। ये भी बेटर है क्योंकि जो अच्छा लगेगा वो ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं, वरना वहाँ पैक करके रख सकते हैं। सो सब चीज़ देख देख के एक सस्ता वाला प्लान किया था, ये था 6 यूरोस में मिलना तो बहुत मुश्किल है इधर, ताकि वो 500 प्राइस होता है ना 6 यूरो का, तो पूरा ढूंढ ढूंढ के इससे सस्ते वाला कहीं नहीं है। ये नॉर्मल बियर है, दिखा था कहाँ मिला। यूरोस के अंदर ये जो है ना, ये 12 यूरोस 13 यूरोस में 50% ऑफ वाला निकाल के मैं ये चूज किया था, और ये अच्छा भी था तो इसीलिए ले रहा था। और एक विंटर शूज देखा, वो दिखा था आप लोगों को आज 9 यूरोस का है ना ये विंटर शूज, मुझे भी अच्छा लगा था। मीन 40 यूरोस में विंटर शूज मिलना भी मुश्किल है, और उसके अंदर अंदर थोड़ा अच्छा था, वाइट सोल था, मेरे को वाइट सोल अच्छा लगता। तो अभी कन्फ्यूजन में हूँ, अगर लेने के लिए सोच रहा था। इसका फुल लेंथ भी आया है, ज़्यादा फुल लेंथ भी नहीं है बट ठीक है। हो गया है शॉपिंग और शूज भी ले लिए हम। जब भी शूज ले रहे हो तो एक बार देख लेना इधर की जो नंबरिंग्स है, हमारे इंडिया में अगर 9 नंबर होते तो इधर 43 नंबर आएगा, अगर 8 नंबर होते तो 40, 42, 43 ऐसे। सो उस हिसाब से ले लेना है। आज तो इतना जन है यार, आज क्यों इतना जन है? आज सैटरडे नाइट है, बट हर सैटरडे नाइट में नहीं रहता ना, बट क्रिसमस वीक है ना। अच्छा क्रिसमस वीक है, क्रिसमस पास में आ रहा है तो इसीलिए बहुत बहुत लोग है। हाँ क्या जाएगा इम्प्रेशन? इनको इनको डेली एक सामान लेना है। देखा अभी फिर से पेनी को लेके आया है, मतलब व्यूअर्स को लगेगा भाई ये एक दिन में इतना क्या काम कर रहे हैं घर ढूंढने का। मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या क्या काम कर रहा है मैं। चलो इधर आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा।